जुदाइयां तेरी बने सजा मेरी, राज दिल है हमनवा गुआर दू मेरी, मेरे वजूद में आग सी लगी, राज दिल है हमनवा तुझ मुझे बिट्टो की सारी चीजें, जो भी तुम्हारे पास है वो सब दे दो, उसके परांदे, उसकी चूड़ियां, उसके झुमके, उसका सब कुछ जो भी तुम्हारे पास है, मुझे मुंह दिखाई में दे दो प्लीज। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए, वो डर है कि किडनी की परेशान है, सही हो जाएंगे वो। हेलो हेलो हेलो। हाँ सरमद, क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ नहीं, वो फिल्म देखते देखते आंख लग गई थी मेरी, अजीब वहशत और उलझन से आंख खुली। अच्छा, कौन सी मूवी देख रहे थे? तुम ये बताओ, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ सरमद। तुम सोई क्यों नहीं हो अब तक? वो नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी ताजा हवा में जाऊंगी और वॉक करूंगी तो शायद नींद आ जाए। जाला, तुम मुझे डिस्टर्ब लग रही हो। और जाला? शर्मन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम मिस बिल्कीस, आइए आइए। खाना खाया आपने? जी सर, वो मम्मी को खिलाते हुए मैंने भी खा लिया। अरे मैंने तो सोचा था डिनर हम लोग साथ करेंगे, लेकिन अब आपने खा ही लिया है तो। आपने वो क्या बात करनी थी, घर वाले नजर नहीं आ रहे आपके? हाँ आज घर वाले गए हुए। अच्छा ही है ना, इस वक्त हम लोगों को साथ देखने वाला कोई भी नहीं। कम ऑन बिल्कीस, नखरे नहीं करो यार, यू नो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग नाउ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी कोई परेशानी होगी और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या बात है, प्लीज मुझे बताओ ना, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अहमद, वो असल में। वो क्या उजाला, प्लीज बोलो, मैं सुन रहा हूं। मुझे बहुत डर लगता है। किस चीज से डर लग रहा है? अगर
अगर जिंदगी में मैंने कभी तुम्हें खो दिया तो तुम्हें आज ऐसा क्यों लगा? पता नहीं। तो अगर ऐसी बात है तो चलो उठो। कहाँ? चलो आज निकाह कर लेते। क्या अभी? हाँ हाँ, तुम्हारा डर निकल जाएगा कि मुझे खो दोगे। अच्छा। तुम्हें पता है अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा? क्या होगा? मामू और नानी दोनों तुम्हें जान से मार देंगे। हाय, मर जाएंगे तो मर जाएं, कम से कम मोहब्बत में मरेंगे। चलो आज तो निकाह कर लेते। कुछ भी। उन्हें तो डिस्चार्ज कर दिया। कब? कल रात को उनके घर वाले उन्हें ले गए थे। मतलब उनकी बेटी? जी। बोल बिट्टू, तू क्यों नहीं बोलती? मुझे बता तो सही, तू इस हाल में कैसे पहुंची? असम्मा, तेरी बिट्टू जिंदा लेटी है ना, यही बहुत बड़ी बात। शुक्र करो अल्लाह का। पर बिट्टू, छोटे साईं तो तुझे बड़ी चाहत के साथ ब्याह कर लेके गए थे, फिर उन्होंने तुझे इस हाल में क्यों छोड़ दिया? अम्मा, हो सकता है कि उसने मेरे साथ बुरा ना किया हो। मैंने ही कर दिया। नहीं बिट्टू, तू तो प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। अम्मा प्लीज मत ले बार बार उसका नाम आप। एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाए, मैं भी भूल गई। बहुत अजियत में गुजारे हैं वो दिन। मैं उसके बगैर मैं जी सकती हूँ और जी कर दिखाऊ। बस मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। आप साथ देंगे तो मैं सब कुछ कर लूंगी। और प्लीज अम्मा, शाजो को इसके बारे में कुछ ना बताना, वो परेशान हो जाएगी। तुम ही मेरी पहली और तुम ही मेरी आखिरी मोहब्बत। मैं सरमद के लिए बहुत परेशान हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनने की हिम्मत है? उन्हें तो डिस्चार्ज कर दिया। कल रात को उनके घर वाले उन्हें ले गए थे। तुमने सरमद को बताने के लिए क्यों मना किया? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने क्यों मना किया? उलझ गई हूँ मैं, जानना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताओ। तुम बच्ची हो कि मैं तुम्हें समझाऊं? ठीक है, चलो मैंने तुम्हें समझाया। तुम्हें बुरा लगा तो? नहीं लगेगा, तुम बोलो। मैं
सरमद मुझसे मोहब्बत करता था। करता था, अब नहीं करता। पहली मोहब्बत भुलाई नहीं जाती ना। सच्ची मोहब्बत भुलाई नहीं जाती। हाँ तुम ठीक कह रही, मेरी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची नहीं थी। पर सरमद की अगर मैं इसे तुम्हारी गलत फहमी या फिर खुश फहमी कहूँ तो मैं तुमसे इस बहस में नहीं करना चाहती। देखो बेटो, मैं और सरमद तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अपने साथ बुरा करोगी उजाले, छोड़ दो मेरे हाथ। तुमने सरमद को छोड़कर बाबर का इंतखाब किया और फिर वो भी तुम्हें छोड़कर चला गया। आज परेशान हो, इस हाल में हो, बस इसीलिए उसको सामना नहीं करना चाहती। हाँ यही समझ। मैं कोई भी बात गुजरते हुए एक एक लम्हे का हाल सरमद से छुपाना नहीं चाहती। तुम इस हाल में हो, मैं तुमसे मिली, ये बात मैंने सरमद को नहीं बताई सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुरा महसूस ना हो। वो कुछ और महसूस कर रही हूँ, कुछ नहीं छुपाया मैंने उससे, लेकिन सिर्फ तुम्हें उससे मिलकर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती। अब मैं उसे जब भी मिलूं, मैं उसे सब बता दूं। और तुम मेरे लिए परेशान मत हो। मैं सरमद के लिए बहुत परेशान। क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनने की हिम्मत है? सब सुन लो, बहुत हौसला है मुझे। बाबर से शादी के बाद जब जब सरमद मेरे सामने आया मैं उसे छुप नहीं सकी। उसकी आंखों में सन्नाटा, उसकी हंसी में छुपा दर्द, सब कुछ महसूस किया है मैंने। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत कर रहा था, मैंने उसे सिर्फ दर्द दिया और तुमने उसका हाथ थाम कर उसे खुशी दी। मैंने उसे अंधेरा दिया और तुमने उसको उजाला। तुम बहुत प्यार करती हो ना सरमद से, इस बात की मुझे बहुत खुशी, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है और उसको ऐसी ही किसी लड़की की जरूरत थी जैसी तुम हो। मत बताना उसे, वो तड़प गया तो तुम्हें ठेस पहुंचेगी। तुम्हारे चेहरे की खुशी मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे खराब नहीं करना चाहती। खुश रहना सरमद के साथ, मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, जीते देखना चाहती हूँ। तुम बहुत प्यारी हो जाओ। मुझे फोन पे तो बस इतना कहा था कि किसी के साथ हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी। किसके साथ हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नानी कह रही थी तुम अपने किसी दोस्त के साथ गई। हाँ मैं अपने दोस्त के साथ गई थी। तुम्हारी इस दोस्त को मैं जानता हूँ? नहीं, तुम सिर्फ मेरी नानी को जानते हो। I don't think so. तुम्हारी बहुत सारी दोस्तों से तुम्हें मिल चुका हूँ। As a matter of fact, कईयों को तुम्हें गायबाना भी जानता हूँ। हाँ लेकिन ये मेरी बचपन की दोस्त है।
इसको तुम नहीं जानते। मुझे बाहर मिल गई थी तो उसने मुझे बताया कि उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी अम्मी का पूछने के लिए चली गई। नानी ने सही किया ना? बिल्कुल ठीक किया तुमने बेटा, बीमार की आयादत करना सुन्नत है। चाय पिया आप लोगों ने? हम तुम्हारे लिए परेशान। कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो मेरे लिए परेशान थे। खैर मैं चाय खुद बनाती हूँ, बस पहले चेंज कर लूँ। कुछ छुपा रही है मुझसे, जरूर झूठ बोल रही है। हम दोनों साथ रह ही नहीं सकते, ये जो रिश्ता है ना हमारा, ये खत्म, ये खत्म हो चुका है आज। बस डॉक्टर साहब मेरे आगे पीछे अभी कोई है नहीं, अम्मा काफी बीमार थी और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, और उस मजबूरी में मैंने उस इंसान से पैसे मांगे, लेकिन उसका एहसान वापस करने के लिए मुझे आपसे एहसान लेना पड़ रहा है। प्लीज आप मुझे गलत मत समझे, अगर आप इस तरह समझेंगी तो मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। डॉक्टर साहब जॉब मेरी खत्म हो गई है, आपके इतने सारे पैसे मैं एक साथ वापस नहीं कर पाऊंगी, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। जल्दी किसने कहा आपको उतारना, जैसे सहूलत हो वैसे उतार दीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता करके। और बात सुन, पांचों उंगलियां बराबर नहीं, हर किसी को इस तरह से गलत मत समझा। मैंने आपकी कहानी सुनी, मुझे दुख हुआ और मैंने आपकी मदद की है, आपकी खातिर, अल्लाह की रजा के लिए। और जो पैसे मैंने आपको दिए हैं वो कर्ज जरूर है, लेकिन कर्ज हंसना है। जब आपको सहूलत उतार दीजिएगा, वरना मैं तकाजा नहीं करूंगा। और आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मा बहुत बेहतर है और आपको बहुत याद करती है। हाँ मुझे उनके चेकअप के लिए घर आना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब मैं उनको यही ले आऊंगी। देखें आपके कहने पे पहले ही मैंने डिस्चार्ज कर दिया था उनको, जबकि उनकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन जरूरी है उनका चेकअप करना, वीकनेस बहुत है, ऐसा ना हो कोई नुकसान हो जाए। ठीक है आप आ जाइएगा, लेकिन घर पे आने की फीस तो ज्यादा होती होगी। मिस बिल्कीस आप जानती हैं, जब मैं 17 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी। वो जो मुझे दुआएं देती थी ना, आज तक किसी ने नहीं दी। आपकी अम्मी मुझे दुआएं देती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस यूं समझ लें कि उनकी दुआएं मेरी फीस। ये मेरी बचपन की दोस्त है, इसको तुम नहीं जानते। मुझे बाहर मिल गई थी तो उसने मुझे बताया कि उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी अम्मी का पूछने के लिए चली गई। कोई कपड़े हैं प्रेस करने के लिए मुझे दे दो, मैं करके ला दूंगी। नहीं। कोई और काम हो तो बता देना, बुला लेना मुझे। ओके जाला। मेरे अलावा कोई दूसरा भी है ना तुम्हारी जिंदगी? You know what?
ये जो अभी एक लम्हा गुजारे ना हम दोनों एक दूसरे के साथ, ये आखिरी लम्हा है। हम दोनों साथ रह ही नहीं सकते। ये जो रिश्ता है ना हमारा, ये खत्म, ये खत्म हो चुका है आज। जाला जाला लिसन जाला, खुदा जब बेटियां देता है तो उनके बख्त भी माओं के हाथ में दे देता। शाजों की शादी की, अपने घर में वो चार दिन भी खुश ना रह सकी। सिकंदर बीमार हो गया, वो बेवा हो गई। अल्लाह ने फिर उसका वसीला बनाया और तेरे दुख देखने के लिए मुझे जिंदा छोड़ दिया। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? जिंदगी जैसी नेमत है आपके पास, खुदा का शुक्र अदा करें। क्या आप सेहतमंद हैं और ठीक है? बिट्टू मैं बहुत मजबूर लाचार, तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। आप मेरे लिए खुश तो रह सकती हैं। आप खुश और मुतमईन रहेंगी तो मुझे खुशी होगी। आप ऐसी बातें करेंगी तो मेरा दिल और घबराएगा। भूल जाए सब, मत करें ऐसी बात। शाहजों के लिए दुआ कर कि खुदा उसकी गोद भर दे और उसको हमेशा खुश और आबाद रखे। पर बिट्टो तो अम्मा बस लेट जाए, दवाई खाइए, उसका असर खत्म हो जाए, आराम करे, सब कुछ ठीक है। आई एम सॉरी उजाला, आज के बाद मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। तुम्हें मुझसे कोई सवाल करने का हक भी नहीं है। सलाम नानी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम ऑफिस नहीं गए अभी तक? अरे नानी वो छोड़े, ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा। अच्छा नानी, वो मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने सोचा कि उजाला को भी पिक कर लूं, ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। वो तो चली गई, जल्दी में थी, शायद कोई मीटिंग की तैयारी करनी थी उसे। अच्छा अच्छा नानी फिर मैं भी चलता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज बेटा, खैरियत से जाना।
थैंक यू। हेलो जाला, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब है? बस मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, 5 मिनट में तुम बाहर आ जाओ। नहीं, वो वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है, मैं नहीं आ पाऊंगी। बाय। अरे आपने क्यों जहमत की, मुझे बताती मैं विजिट कर लेता। ए, मैंने सोचा अम्मा भी घर पे बैठे बैठे बोर हो गई होंगी, कहीं और बीमार ना हो जाए, तो मैंने सोचा थोड़ी इनकी भी आउटिंग हो जाएगी और आपका भी टाइम थोड़ा बच जाएगा। ये अच्छा सोचा आपने। वैसे अम्मा जी को बाहर जाना चाहिए, और एक दिन तो अम्मा जी को मैं भी लेके जाऊँ, सारा शहर घुमाऊ। क्यों अम्मा जी, चलेंगी ना मेरे साथ? तो किसी नेक माँ की औलाद लगता है, वरना आजकल के दौर में तो कोई गरीबों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता, और तू मुझे अपनी माँ जैसी इज्जत देता है। हर माँ इज्जत के काबिल होती है, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता। डॉक्टर, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? हाँ, परेशानी की बात वैसे तो नहीं है, लेकिन एक परेशानी की बात है कि आपकी जॉब छूट गई है, और आपको जब तक जॉब नहीं मिलेगी तो परेशानी तो होगी। नहीं, मैंने सीवी तो दिए दो तीन जगह। अच्छा, गुड, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। उजाला, रुको मेरी बात सुनो। तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? मैंने क्या किया? रात तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, सुबह जल्दी निकल गई, और फिर ऑफिस से ना निकलने का बहाना बना दिया। क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुमसे बात नहीं करना चाहती। कसूर क्या है मेरा, बोलो क्या कसूर है मेरा? एक सवाल ही तो किया था ना तुमसे, तुम मुझे जवाब दे सकती थी, मेरी गलतफहमी दूर कर सकती थी। क्यों क्लियर करूं मैं तुम्हारी गलतफहमी? क्यों जवाब दूं मैं तुम्हें? ऐसे एक लम्हे में तुमने कह दिया कि हमारा रिश्ता खत्म। कभी कभी कोई फैसला लगता है कि एक लम्हे में लिया हो, अगर वो जो एक लम्हा होता है ना, वो सदियों की तरह गुजरता है। सदियों जितनी अजियत देकर गुजरता है, हमें गुजर गई उस। मैंने फैसला ले लिया। आई एम सॉरी उजाला, आज के बाद मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। तुम्हें मुझसे कोई सवाल करने का हक भी नहीं है। अरे तुम दोनों यहाँ खड़े बातें कर रहे हो? वो मैं पति ढूंढ रही थी, मुझे पति नहीं मिल रही चाय बनाने के लिए। अब जाए नानी, मैं निकाल देती हूँ आपको। चलो, सरमद भी आ गया है, ये भी हमारे साथ चाय पिएगा, इसके लिए भी बना लेना। नहीं नानी, सरमद को बहुत जरूरी काम है आज, ये हमारे साथ चाय नहीं पी सकता। मैं चाय बनाती हूँ। झूठ बोल रहे हो ना, डाल रहे हो मुझे। जाला ने किसी बात पे तुम्हारा दिल दुखाया है क्या? तुझ जो मेरी। कोई सरमत कहीं काम से नहीं गया था, तुम दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है ना? देखो, मुझे नहीं बताओगी तो परेशान करोगी मुझे तुम। परेशान ना होना नानी, परेशान होने की क्या जरूरत है? कैसे परेशान ना होगी? पहले तुम आपस में बैठते थे, हंसते थे, बोलते थे, मेरा दिल खुश होता था। अब तुम दोनों का उतरा हुआ चेहरा देखकर
मेरा दिल इतना बुरा होता है। नानी, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं ना? आते हैं, लेकिन बेटा नाराजगियां जल्दी खत्म कर देनी चाहिए। दिलों में बात नहीं रखनी चाहिए, गलत फहमियों को मिटा देना चाहिए। गलत फहमियां रिश्तों को कमजोर कर देती हैं। कुछ गलत फहमियां ना रिश्तों को तोड़ देती हैं ना। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो तुम? नानी, चाइनीज पसंद है ना आपको? मुझे भी बहुत पसंद है, तो अगर मैं आज चाइनीज बनाऊं बहुत मजे का, तो आप खाएंगी ना मेरे साथ? हाँ ठीक है, सरमद को बुला लो, वो मेरे साथ खाएगा तो मैं खाऊंगी। नानी जिद ना करे ना। जिद तो तुम कर रही हो। तो मैं तो आपकी लाडली हूँ ना, मैं तो जिद कर सकती हूँ। चलो अब मैं आपको बहुत मजे का चाइनीज बनाकर खिलाऊंगी और हम दोनों खाएंगे। आपको याद है ना लास्ट टाइम मैंने कितना मजे का चाइनीज बनाया था? हाँ याद है मुझे। ठीक है, अच्छी तरह अब आप मुझे बताएंगी कि हम क्या क्या बनाएं, आपको क्या क्या पसंद है। बिट्टो वापस गाँव चल, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों आके अम्मा? हवेली में काम करके दो वक्त की रोटी खा लेंगे, पेट भर जाएगा हमारा। हवेली के टुकड़ों पे नहीं पलना मुझे, ना मैं आपको पलने दूंगी। बिट्टो यहाँ भी तो तेरी कोई नौकरी नहीं है। नौकरी का क्या है, आज नहीं तो कल हो जाएगी। गुजारा तो हो रहा है ना, किस बात से परेशान होती? ऊपर से मैं भी तुझ पर राख बोझ बन गई हूँ। इस चार दीवारी में सिर्फ मैं और आप रहते, आप चाहती मैं आपसे बात करना बंद कर दूं, कमरा बंद करके पड़ी रोती रहूं, नाराज रहूं आपसे? ना ना बिट्टू, ऐसी बात ना कर। तो फिर ऐसी बातें मत करो अम्मा, भरोसा करो खुदा पर और मुझ पर। तुझ पर और खुदा पे तो भरोसा है, और तो किसी पे भी नहीं है। तो अम्मा दुआ कर कि सब ठीक हो जाए, तेरी दुआ तो लगती है मुझे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। सरमद बेटा। अरे नानी आ बोले। उजाला अभी अभी निकल कर गई है तो मैं तुम्हारे पास आ गई। बेटा तुम तो मुझे कुछ नहीं बता रही, तुम्हें बताओ क्या मामला है? नानी कोई मामला नहीं। तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। नहीं नानी ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे पूछा तो तुमने भी कह दिया कुछ नहीं। मैं जिस दिन से आई हूँ मैंने तुम दोनों को हमेशा साथ देखा, एक साथ हंसते बोलते उठते बैठते घूमते फिरते। झूठ बोल रहे हो ना, डाल रहे हो मुझे। उजाला ने किसी बात पे तुम्हारा दिल दुखाया है क्या? नानी अभी कहाँ है? कह रही थी कि किसी दोस्त के घर जा रही हूँ, पर मैं चूल्हे पे सालन भी बुलाई, तुम होते जाना मेरे पास से। नानी 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 आई एम सॉरी नानी, मैं लेट हो गई। मैंने तुम्हारे मामू को आने से रोक दिया है। क्यों, क्या कहा आपने? उन्होंने पूछा नहीं? पूछा था। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने उसे तफसील नहीं बताई। आने देती ना नानी, इतना अरसा हो गया है वो यहाँ पर नहीं आए, हम उनसे नहीं मिले, वो आते तो अच्छा लगता ना। पहले तुम लोग अपनी जिंदगी का कोई फैसला तो कर लो, फिर मैं फौरन बुला लूंगी। नानी मैं ना
बहुत मजे की गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आई हूँ। अगर आप कहेंगी तो मैं अपने हाथों की मजेदार चाय बनाकर आपको पिला सकती हूँ। मैं सरमद के पास भी गई थी, उससे भी मैंने पूछा, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा आपको देने के लिए। तुम दोनों बहुत बेवकूफ हो, बचकाना हरकतें कर रहे हो। बेटा ऐसे मत करो, मुझे परेशान कर दिया तुम लोगों ने, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ तुम लोगों की वजह से। छोड़ देना नानी, छोड़ दें, आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं और अपनी तबीयत खराब कर रही हैं। जो होना होगा वो हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इतना ना सोचें। चाय बना कर लाती हूँ, चाय तो पियेंगी, पियेंगी ना? जिस दोस्त से मिलने जाती हो मुझे भी उससे मिलना है। मैं तुम उससे मिलवाना नहीं चाहती। क्यों नहीं? तुम क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रही हो? परेशान तुम मुझे कर रहे हो। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक वक्त ही सहारा थी, बिट्टो की यादों से निकलने का वक्त ही सहारा थी। तुम मेरे लिए बिट्टो की यादों से निकलने का सहारा थी, तुमने मेरा हाथ थामा, मुझे इतने आगे तक ले आई, तो फिर अब क्यों मुझे छोड़कर जा रही हो? क्यों उजाला क्यों? क्योंकि जो भरोसा, जो मान, जो एतमाद मुझे तुम पर था, वो तुम्हें मुझ पर नहीं। उजाला कभी मुझे अपनी जगह पर रखकर सोचो। मैं अपने आप को तुम्हारी जगह रख के सरमत कैसे सोचूं? हाँ एक काम मैंने जरूर किया, मैंने तुम्हारे लिए खुद को बिट्टो की जगह रखकर जरूर तुम्हारा दर्द बांधा था। क्या कहा था मैंने तुमसे? बस इतना कि अपने दिल और दिमाग में बिट्टो की मोहब्बत को जरूर रखो, मगर मुझे सिर्फ इतना यकीन दिला दो कि मैं तुम्हारी आखिरी चाहत हूँ। क्या मैं तुम्हें अब तक यकीन नहीं दिला पाया हूँ कि तुम ही मेरी आखिरी चाहत हो? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया था कि मेरी तो पहली और आखिरी चाहत ही तुम हो। नहीं आया था ना, इसीलिए सवाल मुझसे पूछ रहे। अभी तुम प्लीज यहाँ से जाओ कि नानी ने सुनिया तो परेशान हो जाएंगे। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या मेरा साथ नहीं दे सकती? तुम्हारा साथ देने का वादा तो मैंने तुमसे नहीं बल्कि अपने आप से किया था, लेकिन इस सफर के पहले कदम पर ही शक का जो कांटा मेरे पांव में चुभ चुका है, उस जख्म के नासूर को लेकर अगर आगे बढ़ूं तो सफर नामुमकिन हो जाएगा। कहां हो सरमद? इस तरह मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते तुम। तू मेरा आसमां, तेरे बगैर जी सकूं, ये मेरे बस में कहां। सरमद जैसे ही आता है मैं तुम दोनों का फैसला करा देती हूँ। कैसा फैसला? अम्मा उठे ना, अम्मा अम्मा उठो, उसके अम्मी के डेथ हो गई। तू ही दिल की जमीन, तू मेरा
आसमां तेरे बगैर जी सकूं ये मेरे बस में कहां। जुदाइयां तेरी बने सजा मेरी, राज दिल हम नवा दुआरे।